बस कुछ ही देर में माननीय मंत्री महोदय एवं अन्य अतिथि हमारे बीच पधारने वाले हैं, तो आप सभी से अनुरोध है कि अपना अपना आसन ग्रहण कर लें। धन्यवाद। अपने मोबाइल्स को कृपया साइलेंट मोड पर कर लें। आप सभी अपने मोबाइल्स को साइलेंट मोड पर कर लें, जिससे कि कार्यक्रम के दौरान कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो। शुक्रिया। जो लोग भी अभी हॉल में आ रहे हैं, उनसे निवेदन है कि जल्दी से अपने स्थान ग्रहण कर लें। कुछ ही देर में हमारे अतिथि पहुंचने वाले हैं, आप जल्दी से अपना स्थान ग्रहण कर लें। धन्यवाद। आप सभी से एक बार फिर से मेरा अनुरोध है कि अपने मोबाइल फोन्स को साइलेंट मोड पर डाल लें। अपने मोबाइल फोन्स को साइलेंट मोड पर डाल लें। धन्यवाद।
करतल ध्वनि से स्वागत करें आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्रम एवं रोजगार पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री तथा अध्यक्ष केंद्रीय न्यासी बोर्ड श्री भूपेंद्र यादव जी, माननीय मुख्यमंत्री असम श्री हिमंत बिस्वा शर्मा जी, माननीय राज्य मंत्री श्रम एवं रोजगार पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस तथा उपाध्यक्ष केंद्रीय न्यासी बोर्ड श्री रामेश्वर तेली जी, माननीय लेबर वेलफेयर एंड टी ट्राइब वेलफेयर मंत्री श्री संजय किशन जी, माननीय श्री सुनील बर्थवाल सचिव श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार तथा उपाध्यक्ष केंद्रीय न्यासी बोर्ड, आप सभी सम्माननीय अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। साथ ही केंद्रीय न्यासी बोर्ड के सभी सदस्यों एवं सभागार में उपस्थित आप सभी गण्यमान्य अतिथियों का भी हम अभिनंदन करते हैं। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ, सभी सम्माननीय अतिथियों से विनम्र निवेदन कि कृपया दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। भगवान बुद्ध ने कहा है अप दीपो भव, अर्थात अपना प्रकाश स्वयं बनो, अपनी प्रेरणा स्वयं बनो। खुद तो प्रकाशित हो ही, लेकिन दूसरों के लिए भी एक प्रकाश स्तंभ की तरह जगमगाते रहो। भारतीय संस्कृति एवं परंपरा के अनुसार किसी भी मांगलिक कार्य या समारोह के आरंभ में दीप प्रज्वलन किया जाता है। ये दीप प्रतीक है प्रकाश का और प्रकाश ज्ञान का। जिस प्रकार दीप की ज्योति हमेशा ऊपर की ओर उठी रहती है, उसी प्रकार मानव की वृत्ति भी सदा ऊपर ही उठे, यही दीप प्रज्वलन का अर्थ है। और अब केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त श्रीमती नीलम शमी राव जी से मेरा विनम्र अनुरोध है कि वे माननीय श्रम एवं रोजगार मंत्री एवं अध्यक्ष केंद्रीय न्यासी बोर्ड श्री भूपेंद्र यादव जी का अभिनंदन करें। माननीय मंत्री महोदय का अभिनंदन। श्रीमती नीलम शमी राव जी, पहले असम के मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करते हुए, राइनो जो कि असम की एक पहचान है और साथ ही ये स्मृति चिन्ह। मैडम आपसे पुनः अनुरोध कि हम माननीय श्रम एवं रोजगार मंत्री जी का भी अभिनंदन करें। बेहद आदर और सम्मान के साथ स्वागत हमारे माननीय मंत्री जी का। राइनो भेंट करते हुए और साथ ही एक स्मृति चिन्ह। और अब मैं गुजारिश करती हूँ श्री जगमोहन अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त मुख्यालय कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से कि वे माननीय राज्य मंत्री श्रम एवं रोजगार तथा उपाध्यक्ष केंद्रीय न्यासी बोर्ड श्री रामेश्वर तेली जी का अभिनंदन करें। श्री जगमोहन, स्वागत करते हुए माननीय राज्य मंत्री श्रम एवं रोजगार का। स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए श्री श्री आर के सिंह अपर केंद्रीय आयुक्त महोदय से मेरा आग्रह है कि वे असम के माननीय लेबर वेलफेयर एंड टी ट्राइब वेलफेयर मंत्री श्री संजय किशन जी का स्वागत करें। आर के सिंह जी, संजय किशन जी का स्वागत करते हुए।
और अब मैडम उदिता चौधरी जी से मेरा निवेदन है कि वे ईपीएफओ की अधिकारी अपर केंद्रीय अर्थ होने के नाते सचिव श्रम एवं रोजगार तथा उपाध्यक्ष केंद्रीय न्यासी बोर्ड श्री सुनील बर्थवाल जी का अभिनंदन करें। माननीय सुनील बर्थवाल जी का अभिनंदन उदिता चौधरी मैडम द्वारा। एक स्मृति चिन्ह माननीय अशोक सिंघल जी भी हमारे बीच उपस्थित हैं, ये हमारा सौभाग्य है। तो मैं निवेदन करूंगी हेमंत जैन जी से कि वो यहाँ आए और उनका स्वागत करें। हेमंत जैन जी, बहुत ही गौरव का क्षण है हमारे लिए कि हमारे साथ इतने गण्यमान्य अतिथि इस वक्त मौजूद हैं। धन्यवाद सर। हमारे बीच उपस्थित हैं श्री सुनील बर्थवाल, भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1989 बैच के अधिकारी, सचिव श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार तथा उपाध्यक्ष केंद्रीय न्यासी बोर्ड। और अब उद्घाटन भाषण के लिए मेरा विनम्र आग्रह श्री सुनील बर्थवाल जी से। नमस्कार। आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री आसाम श्री हिमंत बिस्व शर्मा जी आज इस समारोह की अध्यक्षता कर रहे, श्रम एवं रोजगार मंत्री माननीय श्री भूपेंद्र यादव जी, यहाँ उपस्थित श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री श्री रामेश्वर तेली जी, मंच पर उपस्थित श्रम कल्याण मंत्री आसाम सरकार श्री संजय किशन जी, श्री अशोक सिंघल साहब, यहाँ उपस्थित सीबीटी के सभी माननीय सदस्यगण, केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों के सभी पदाधिकारीगण, देवियों एवं सज्जनों, आज के समारोह में आप सभी का स्वागत है। विशेष रूप से हमारे मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने समय निकाल करके इस अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं, और मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। आज और एक दिन पूर्व हमारी जो सीबीटी की जो मीटिंग्स साल में ये विशेष बैठक थी, जिसमें कि सीबीटी ये निर्णय लेती है कि कितना इंटरेस्ट रेट वो डिसाइड करें, तो आज ये बैठक संपन्न हुई। कल लगभग 6 घंटे और आज लगभग 3 घंटे ये पूरी बैठक चली, और ईपीएफओ के बहुत गहन विषयों पर इसमें समीक्षा की गई। और मुझे खुशी है कि जो निर्णय सीबीटी के द्वारा लिए गए, उसका भी अच्छा प्रभाव आसाम के जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उन पर पड़ेगा। एक अभी आपके समक्ष जो एक मुख्य एक इवेंट भी है, जिसमें कि आसाम में ईपीएफओ पहली बार एक आसामीज भाषा में रीजनल कॉल सेंटर उसको एस्टेब्लिश करने जा रहा है, और ये माननीय मंत्री जी का हम लोगों को निर्देश था
कि पूरे भारतवर्ष में विभिन्न जगहों पर उनकी जो उस प्रदेश की भाषा है उस भाषा में लोगों को ईपीएफओ को कॉल करने की सुविधा मिले। सर, ये जो हमारा आइकॉनिक वीक है, ये आइकॉनिक वीक हमने 7 तारीख से, इस माह की 7 तारीख से शुरू किया और कल 13 तारीख को ये समापन होगा। 7 तारीख को जो हमारा आइकॉनिक वीक, जो अमृत महोत्सव का पार्ट है, वो जब शुरू हुआ तो उसमें जो हमारा ई श्रम का कार्यक्रम है उससे उसकी शुरुआत की गई और हमने लगभग जो 25 करोड़ लोगों को ई श्रम कार्ड दिए हैं उसका हमने उस दिन सेलिब्रेशन किया। और जो ई श्रम की पूरी योजना है उस योजना में सरकार का इस पर ध्यान है कि जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं उन तक सरकार की योजनाओं को कैसे पहुंचाया जाए। और मुझे बड़ी खुशी है कि ये जो ई श्रम कार्ड जो यूएन इसमें एक संख्या हम लोग देते हैं और वो आधार सीडेड है और वो बैंक अकाउंट से भी सीडेड रहती है, तो इसका मतलब है कि सरकार की किसी भी योजना को, चाहे वो राज्य सरकार की हो चाहे वो केंद्र सरकार की हो, उस योजना का लाभ आप डीबीटी के माध्यम से सीधे ई श्रम कार्ड होल्डर को दे सकते हैं। और मुझे ये बताते हुए बेहद खुशी है कि आसाम में हमारे लगभग 64 लाख से अधिक लोगों ने ई श्रम कार्ड में पंजीकरण कराया है और उन सभी को 2 लाख रुपए की जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है उसका भी लाभ हम लोग दे पाएंगे। और इसके अलावा जो हमारी 60 वर्ष के उपरांत 3,000 रुपये देने की योजना है जिसमें कि आधा भारत सरकार देती है और आधा जो हितैषी है, जो बेनिफिशियरी है वो देता है, वो योजना भी हमने उसको ई श्रम कार्ड के साथ जोड़ा है। और अब हमारी ये कोशिश है कि हम ई श्रम कार्ड के माध्यम से न केवल जो राज्य सरकार के पोर्टल्स हैं उनको जोड़ें, बल्कि जो हमारा एनसीएस का पोर्टल है जिसमें कि हम जॉब सीकर्स और जॉब प्रोवाइडर्स को जोड़ते हैं उस पोर्टल के साथ भी हम जोड़ेंगे। एक एमएसएमई का जो उद्यम पोर्टल है उससे भी उनको जोड़ा जाएगा और जो असीम पोर्टल है ट्रेनिंग का, जो स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का है, उसके साथ भी उनको जोड़ा जाएगा। सर, मुझे ज्ञात है कि जो BOCW फंड है आसाम में, वो उसमें लगभग 5.5 लाख लोग BOCW फंड में रजिस्टर्ड हैं और लगभग 1400 करोड़ रुपया BOCW फंड में आसाम सरकार के पास भी है। और मुझे सर विश्वास है कि जो कंस्ट्रक्शन वर्कर का जो आपका पोर्टल है आसाम का, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहा है और हम चाहेंगे कि उस कंस्ट्रक्शन वर्कर के पोर्टल के साथ हम अपना ई श्रम पोर्टल और अपना एनसीएस पोर्टल भी जोड़ सकें ताकि जो हमारे कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं विशेष रूप से आसाम में, उनको जो बेनिफिट्स हैं वो इन दोनों पोर्टल के माध्यम से दिए जा सकें। इसके अलावा सर, आसाम में एक बहुत बड़ा तबका है जो टी गार्डन वर्कर्स का है और मुझे बताते हुए हर्ष है कि एक पिछले वेबिनार में मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ आसाम के सीएम साहब से बात करने का और उस वेबिनार में पार्टिसिपेट करने का। और मैं खाली ये बताना चाहूँगा कि उसमें भी भारत सरकार की तरफ से जो यहाँ का ईपीएफ है, जो कि राज्य सरकार का चलता है, लेकिन उसमें भी भारत सरकार की तरफ से जो 1.16% है और जो इडिलाई स्कीम है उसमें भी हम लगभग 50 करोड़ के आसपास पैसा देते हैं। सर, हमारा जो ईपीएफओ के बाद दूसरा बड़ा इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो ESIC का है और ESIC की कवरेज आसाम में सभी जिलों में नहीं थी, लेकिन अब हमने उसको आपके सभी 34 जिलों में इस व्यवस्था को कर दिया है केवल जो नए कुछ प्रॉब्लम है
हेलो हेलो सर, वो बात मुश्किल हो जाए सर, वो बात मुश्किल हो जाए। तो जो एक नया बजाली में भी सर, जिले में भी सर, उसको ESIC कवरेज हम लोग और लगभग 80,000 आपके यहाँ जो IPs हैं उन तक ये सुविधा पहुँचेगी। जो टी गार्डन के जो वर्कर्स हैं उन तक भी हम ये सुविधा पहुँचाएंगे। और अभी माननीय मंत्री जी से मेरी चर्चा हो रही थी जिसमें कि जो बेलटोला का जो हॉस्पिटल है उस हॉस्पिटल को भी नया 200 बेडेड हॉस्पिटल बनाने के लिए हमने उसका सैंक्शन कर दिया है। 143 करोड़ रुपए उसके लिए दिए जा रहे हैं और गुवाहाटी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का हमको अप्रूवल आते ही हम उस पर भी काम शुरू कर देंगे। इसी प्रकार से सर, आज के कार्यक्रम में एक अन्य जो बड़ा इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण हॉस्पिटल है तिनसुकिया का 20 बेड का, उस हॉस्पिटल का भी MOU आज साइन हो रहा है। तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए आपको केवल ये अवगत कराना चाहता हूँ कि जो भारत सरकार का श्रम एवं रोजगार मंत्रालय है और जो असम सरकार का श्रम कल्याण विभाग है, उन दोनों के बीच में हम इस प्रकार से सामंजन रखना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ जो श्रमिक वर्ग है उन तक हम उस लाभ को पहुँचा सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः माननीय अतिथियों का और आप सभी का स्वागत करते हुए आप सबको आज के इस अवसर पर उपस्थित होने के लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। और इस कार्यक्रम में हमारे साथ माननीय राज्य मंत्री श्रम एवं रोजगार, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस भारत सरकार एवं उपाध्यक्ष केंद्रीय न्यासी बोर्ड श्री रामेश्वर तेली जी उपस्थित हैं। ये हमारी खुशकिस्मती है। माननीय मंत्री महोदय, आपसे आदर सहित अनुरोध है कि कृपया अपने उद्गार व्यक्त कर हमारा मार्गदर्शन करें। नमस्कार। आज की इस प्रोग्राम में मंच पर उपस्थित हमारे भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव जी, असम के डायनेमिक CM हिमंत बिस्व शर्मा जी, मंच पर उपस्थित असम सरकार के श्रम मंत्री संजय किसान जी, असम सरकार के शहरी विकास मंत्री अशोक सिंघल जी, हमारे मंत्रालय के सचिव सुनील भटवाल जी, इस सभा में उपस्थित CPFC के हमारे नीलम राव जी, हमारे CBD के सभी सदस्यगण, भारत सरकार और असम सरकार के सभी अधिकारीगण, मीडिया से पधारे हमारे मित्रगण और देवों और सजनों, CBD की इस मीटिंग में पधारे हुए सभी अतिथियों एवं सम्मानित सदस्यों का मैं स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। गुवाहाटी में CBD की इस मीटिंग का आयोजन न केवल असम बल्कि पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए गौरव का विषय है। हमारी सरकार ने नॉर्थ ईस्ट के विकास को हमेशा प्राथमिकता दी है। अपने व्यस्त समय में से समय निकालकर इस बैठक के लिए आप सभी का आज यहाँ आए हैं, इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। आज की इस कार्यक्रम में असम के माननीय मुख्यमंत्री श्री हिमंत बिस्व शर्मा जी भी पधारे हैं। आपके कुशल नेतृत्व में असम विकास की नई ऊंचाई को छू रहा है। असम की जनता की भलाई और प्रगति के लिए आपने कई बेहतर
कदम उठाए हैं। आपके आने से इस कार्यक्रम का सम्मान बढ़ा है। सीबीडी के बेहतर मार्गदर्शन में ईपीएफओ सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू कर रहा है। लोगों को आसान तरीके से पेंशन, पीएफ और बीमा की सेवाएं देने के लिए ईपीओ ने डिजिटल तकनीकी का बेहतर प्रयोग किया है। आज की इस बैठक में आपने अंशधारों के हित में हमने कई जरूरी विषयों और योजनाओं पर चर्चा की है। ईपीएफओ के द्वारा किए जाने वाले निवेश की बेहतर देखभाल पर विचार किया गया है। इस बैठक में हमने अपने कर्मचारियों के प्रमोशन और उनकी नौकरी से जुड़े विषयों के बारे में बनाई गई समिति के काम पर भी चर्चा किया है। कर्मचारियों की तेजी से प्रमोशन के लिए हम जरूरी नीति बना रहे हैं। साथ ही ईपीएफओ के कवरेज को बढ़ाने और कोर्ट के मामलों को कम करने के विषय पर बनाई गई समिति के काम पर भी चर्चा हुई है। पेंशन सुधारों के लिए और आईटी तथा संचार विषय पर भी हम सब ने विचार किया है। इन सभी मामलों में एक बेहतर योजना बनाने की तरफ हम बढ़ रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डिजिटल इंडिया मिशन तेजी से सफल हो रहा है। ईपीओ ने भी डिजिटल तकनीकों को अपनी सेवाओं के लिए बड़े पैमाने पर अपनाया है। आपने अंशधारों और संस्थानों के लिए ऑनलाइन सेवाओं के माध्यम से ईपीएफओ ने आसान तरीके और तेज गति से अपने योजनाओं का लाभ प्रदान किया है। आज के इस कार्यक्रम में ईपीएफओ के द्वारा कुछ नई डिजिटल सुविधाओं की शुरुआत भी की जाएगी। क्षेत्रीय कार्यालयों में ई ऑफिस से जुड़े आईटी सुविधाओं की शुरुआत की जाएगी। मुझे इस बात की बहुत ही खुशी हो रही है कि गुवाहाटी में रीजनल कॉल सेंटर की शुरुआत भी हो रही है। इससे नॉर्थ ईस्ट के पीएफ अंशधारों को बेहतर सेवाएं मिल सकेगी। ईपीओ द्वारा अपनी सेवाओं के लिए आईएसओ प्रमाण पत्र पाने और स्वच्छता के क्षेत्र में बेहतर काम करने के लिए अपने कुछ कार्यालयों की सम्मानित भी किया जाएगा। मैं ऐसे सभी कार्यालयों और उनके कर्मचारियों को बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि सभी कार्यालयों अपनी सेवाओं को लगातार बेहतर बनाते रहेंगे। हमारी सरकार अपने मजदूर भाइयों एवं बहनों को उनके कानूनी अधिकार दिलाने और उनकी प्रगति के लिए लगातार काम कर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में श्रम मंत्रालय द्वारा असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे लगभग 38 करोड़ मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा एवं अन्य लाभ देने के लिए ई श्रम पोर्टल के माध्यम से नेशनल डाटाबेस तैयार किया जा रहा है। इस पोर्टल की शुरुआत के लगभग 6 महीने के समय में 26 करोड़ से ज़्यादा मजदूरों ने अपना पंजीकरण करवा लिया है। नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र में भी तेजी से पंजीकरण हो रही है। अभी तक असम में 64 लाख से ज़्यादा कामगारों ने अपना पंजीकरण करवा लिया है। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का डाटाबेस बनाने और उनके कल्याण के लिए यह हमारी सरकार की बड़ी सफलता है। यह अभियान हमारे कामगार भाई बहनों को पहचान, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा देने के सपनों को साकार करेगी। अब भारत सरकार ने उमंग एप्लीकेशन द्वारा मोबाइल से भी ई श्रम पोर्टल का पंजीकरण किया जा सकता है। श्रम मंत्रालय द्वारा असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को पेंशन देने के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना चलाई जा रही है। ई श्रम पोर्टल के माध्यम से प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में पंजीकरण हो सकता है। हमारी सरकार की इस योजना में
18 से 40 साल उम्र के असंगठित मजदूर शामिल हो सकते हैं। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना में अभी जल्द में ही पेंशन डोनेट करने का प्रावधान भी किया गया है। इसके तहत अगर नियोता चाहे तो अपने वहाँ काम करने वाले मजदूर जैसे घरेलू सहायक, ड्राइवर, माली आदि का पंजीकरण करवाते हुए इस श्रमिकों के हिस्से की किस्त का भुगतान खुद से कर सकते हैं। इस प्रकार से अपने मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा देने में योगदान कर सकते हैं। मैं आप सभी से अपील करूंगा कि ई श्रम एवं प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में ज़्यादा से ज़्यादा पंजीकरण करवाने के लिए लोगों को जागरूक और प्रेरित करने में हमारी सरकार का सहयोग करें। इससे श्रमिकों के कल्याण एवं रोजगार के लिए बेहतर नीतियां और योजना बनाने में मदद मिलेगी। हमारी सरकार स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और सामाजिक कल्याण के लिए बेहतर योजनाएं बनाकर उनका लाभ सही तरीके से सभी मजदूरों तक पहुंचा रही है। मैं आप सभी को भरोसा दिलाता हूं कि माननीय केंद्रीय श्रम मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी के कुशल नेतृत्व में हमारा मंत्रालय मजदूरों के हित में लगातार नए कदम उठाते रहेंगे। मैं आशा करता हूं कि आप सभी के सहयोग से हमारी सरकार आदरणीय मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के सपनों को साकार बनाने में सफल हो सकेगी। जय हिंद, धन्यवाद। धन्यवाद मंत्री महोदय। भारत सरकार के फ्लैगशिप प्रोग्राम डिजिटल इंडिया का लक्ष्य है भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और नॉलेज इकोनॉमी में ट्रांसफॉर्म करना। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से ईपीएफओ भी निरंतर नई पहल कर रहा है और इसी कड़ी में पीई पोर्टल यानी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर पोर्टल एम्प्लॉयर्स के साथ संवाद स्थापित करने का एक माध्यम है। इसे और बेहतर बनाने के लिए इसमें एक नई सुविधा जोड़ी जा रही है। आइए देखते हैं इसकी एक झलक। कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 के अंतर्गत ठेकेदारों के माध्यम से रखे गए कर्मचारियों के अनुपालन की अंतिम जिम्मेदारी प्रधान नियोक्ता की होती है। ठेकेदार ही स्थापना के रूप में ईपीएफओ के साथ स्वतंत्र रूप से पंजीकृत होते हैं और वो अपने कोड नंबर के अंतर्गत ईसीआर फाइलिंग द्वारा अनुपालन करते हैं। प्रधान नियोक्ता अब तक ठेकेदार द्वारा दी जाने वाली ईसीआर की भौतिक प्रति से उनके अनुपालन की जांच किया करते थे। अपने ठेका कर्मचारियों के अनुपालन की जांच के लिए प्रधान नियोक्ताओं के पास ऑनलाइन तंत्र उपलब्ध नहीं था। प्रधान नियोक्ताओं के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के रूप में मार्च 2021 से ईपीएफओ ने प्रधान नियोक्ता फंक्शनैलिटी का शुभारंभ किया, जिससे कि ठेकेदारों द्वारा ठेका कर्मचारियों के संबंध में फाइल की गई ईसीआर को अपने लॉग इन में देख सके। 3 मार्च 2022 तक एक साल के भीतर 8,000 से ज्यादा प्रधान नियोक्ताओं ने पीई पोर्टल पर पंजीकरण किया, जिससे लगभग 44,000 ठेका स्थापनाएं और 2,72,000 यूएन शामिल हुए। पंजीकरण की प्रक्रिया और प्रधान नियोक्ता एवं ठेकेदारों की लिंकिंग को और अधिक आसान बनाने के लिए ईपीएफओ द्वारा पीई पोर्टल सुविधा के 2.0 वर्जन की शुरुआत की जा रही है, जिसमें ठेका स्थापना को अपनी ईपीएफओ कोड संख्या तथा अन्य विवरण जैसे ठेके की अवधि, ठेका या वर्क ऑर्डर के दस्तावेज तथा ठेका या वर्क ऑर्डर को अमल में लाने के लिए रखे गए कर्मचारियों का यूएएन दर्ज करके अपने प्रधान नियोक्ता की घोषणा करने की अनुमति होगी। इस सुविधा से प्रधान नियोक्ता और ठेकेदारों दोनों के लिए कार्य करना आसान होगा, बल्कि प्रधान नियोक्ता को अपने कर्मचारियों की जानकारी देने की वैधानिक आवश्यकता को पूरा करने में भी सहायता मिलेगी। ईपीएफओ के साथ पंजीकृत जो सिक्योरिटी सर्विसेज, फैसिलिटी मैनेजमेंट, हाउसकीपिंग, मैन पावर सप्लाई आदि जैसे व्यवसाय करती हैं और जो विभिन्न प्रधान नियोक्ताओं और सरकारी विभागों को कार्यबल उपलब्ध कराती हैं, उन्हें विशेष रूप से सहायता मिलेगी। कर्मचारी के विवरण और यूएन को अपलोड करने के बाद संबंधित प्रधान नियोक्ता ठेकेदार द्वारा रखे गए कर्मचारियों के यूएन अनुपालन को देख पाता है। इस सुविधा से ठेकेदार के कर्मचारियों के डेटा को कैप्चर करना संभव होगा और ये परेशानी मुक्त अनुपालन तंत्र और पारदर्शिता लाने में मील का पत्थर साबित होगा।
माननीय मंत्री महोदय से विनम्र अनुरोध है कि कृपया रिमोट का बटन दबाकर पीई पोर्टल 2.0 वर्जन का शुभारंभ करें। धन्यवाद महोदय। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना के अंतर्गत लोक सेवा में जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए NIC द्वारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक ऑफिस टूल ई ऑफिस विकसित किया गया है। EPFO द्वारा इस मुहिम के 2 चरणों को सफलतापूर्वक शुरू किया जा चुका है। तीसरे फेज के अंतर्गत फील्ड कार्यालयों के लिए ई ऑफिस का शुभारंभ माननीय मंत्री महोदय द्वारा आज किया जाएगा। Marching ahead towards the Digital India mission, EPFO has adopted e-office, that is the Digital Electronic Office Tool by NIC to enable an environmental friendly paperless office, another step towards e-governance mission of the country. While reducing the carbon footprint, e-office enables work from anywhere and anytime. It was initially implemented on the 400 or so users of the EPFO headquarters in 2018 in phase 1, which became fully operational in 2019. E-Office enabled the EPFO headquarters to work during the pandemic lockdown with its field functionaries for service delivery to subscribers. Phase 2 started in 2020 with 21 zonal offices and the training academy. Phase 1 and 2 were implemented with license of 1,000 users and technical support by Realtel. The final leg of this journey has started with implementation of phase 3, wherein all the field offices spread across 138 regional offices and 117 district offices and training institutes shall also start functioning on e-office platform. The action of procurement of license for up to 25,000 users from NIC and extension of partnership with Realtel is under process. Regional office Guwahati, the only regional office which has jurisdiction of over 6 political states and is the gateway to northeast region of India, is selected for launch of e-office for field offices. माननीय मंत्री महोदय, आपसे विनम्र निवेदन है कि कृपया रिमोट का बटन दबाकर इस सुविधा का शुभारंभ करें। Here is a short video that gives a brief demo of e-office process, flow and functioning. Strengthening India's e-governance mission with e-office, EPFO. यही नहीं, EPFO अपने स्टेक होल्डर्स की सहायता के लिए कॉल सेंटर की सुविधा भी प्रदान करता है। अक्टूबर 2021 से 7 रीजनल कॉल सेंटर शुरू किए गए और इसमें ये सुविधा थी कि वहीं की क्षेत्रीय भाषा में कॉल्स का उत्तर दिया जाता था। और आज क्षेत्रीय कार्यालय गुवाहाटी में भी कॉल सेंटर का शुभारंभ किया जा रहा है, जहां अखमिया भाषा में कॉल्स के उत्तर प्राप्त करने की सुविधा होगी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन विश्व के सबसे बड़े सामाजिक सुरक्षा संगठनों में से एक है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने दिल्ली स्थित कॉल सेंटर को जनवरी 2021 में एक नया रूप दे दिया है। यह नवीनीकरण CSC के सहयोग से किया गया है, जिसके पश्चात कॉल सेंटर की क्षमता 300% वृद्धि के साथ 2000 कॉल से 8000 कॉल्स प्रतिदिन हो गई है। कॉल सेंटर सप्ताह के सभी दिनों में सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक 3 पारियों में काम करता है।
कॉल सेंटर्स द्वारा हितधारकों के सभी प्रश्नों व समस्याओं का संज्ञान लिया जाता है। रियल टाइम डैशबोर्ड के द्वारा रियल टाइम डेटा का अवलोकन किया जाता है और इसकी अन्य विशेषताएं हैं मिस्ड कॉल का उत्तर देने का विकल्प, कॉल रिकॉर्डिंग इत्यादि। आंचलिक कॉल सेंटर। माननीय श्रम एवं रोजगार मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी के निर्देशानुसार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में 7 आंचलिक कॉल सेंटर्स की सुविधा 7 क्षेत्रीय भाषाओं में अक्टूबर 2021 से प्रारंभ हुई है। यह कॉल सेंटर्स मुंबई, चेन्नई, अहमदाबाद, कोलकाता, हैदराबाद, मैंगलोर और जयपुर जैसे महानगरों में स्थित है, जिनमें कॉल के उत्तर क्रमशः मराठी, तमिल, गुजराती, बंगाली, तेलुगु, कन्नड़ एवं हिंदी और अंग्रेजी में दिए जा रहे हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के आइकॉनिक सप्ताह के दौरान हितधारकों की सहायता हेतु तथा स्थानीय भाषा में प्रश्नों का उत्तर देने के लिए 12 मार्च 2022 को केंद्रीय न्यासी बोर्ड की 230वीं बैठक में क्षेत्रीय कार्यालय गुवाहाटी में उक्त सुविधा का शुभारंभ ओहोमिया भाषा में श्री भूपेंद्र यादव जी एवं श्री रामेश्वर तेली जी के कर कमलों द्वारा की जा रही है। माननीय मंत्री महोदय, आपसे सादर अनुरोध है कि कृपया रिमोट का बटन दबाकर जोनल कॉल सेंटर गुवाहाटी का शुभारंभ करें। धन्यवाद महोदय। आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने कार्यालयों में कार्य प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए किए गए प्रयासों को दर्शाने वाली सफलता की 75 कहानियों को एक पुस्तिका में संजोया है। माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध है कि कृपया इस पुस्तिका का विमोचन करें। पुस्तिका का विमोचन हमारे माननीय सम्माननीय अतिथियों द्वारा। ईपीएफओ द्वारा जारी विभिन्न परिपत्रों यानी सर्कुलर्स को पूरी तरह से टेक्स्ट सर्चेबल फॉर्मेट में एक ई कंपेंडियम में संकलित किया गया है। माननीय मंत्री महोदय, आपसे निवेदन है कि कृपया रिमोट दबाकर इसे लॉन्च करें। रिमोट दबाकर ई कंपेंडियम को लॉन्च करें। और महोदय, आपसे पुनः अनुरोध है कि इस ई कंपेंडियम के डिजिटल वर्जन का भी विमोचन करें। ई कंपेंडियम का डिजिटल वर्जन जिसे आज माननीय मंत्री महोदय के हाथों लॉन्च किया जा रहा है। करतल ध्वनि से इस मौके को, इस मोमेंट को सेलिब्रेट किया जाए। धन्यवाद।
कर्मचारी भविष्य निधि सदस्यों के लिए अपने नॉमिनी का ब्यौरा देना जरूरी होता है, जिससे कि उनके बाद उनके परिवार या नॉमिनी को देय लाभ मिलने में कोई परेशानी ना हो। नियोक्ता के किसी हस्तक्षेप के बिना ई नॉमिनेशन ऑनलाइन दायर करने की शुरुआत ईपीएफओ द्वारा की गई। आज़ादी के अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि सदस्यों द्वारा 75 लाख ई नॉमिनेशन करने का लक्ष्य निर्धारित किया और इस लक्ष्य को ईपीएफओ के फील्ड कार्यालयों, नियोक्ताओं और कर्मचारी भविष्य निधि सदस्यों के साझा प्रयास से पूरा कर लिया गया है। विश्व के सबसे बड़े सामाजिक सुरक्षा संगठनों में से एक कर्मचारी भविष्य निधि संगठन आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में ईपीएफओ की सेवाओं का लाभ उठाने हेतु अपने सदस्यों और उनके परिवार को स्वतंत्रता का एक नया स्तर देने के लिए एक अभियान की शुरुआत की, ई नॉमिनेशन या ई नामांकन के द्वारा। ई नॉमिनेशन के द्वारा अपना नॉमिनी दाखिल करना बहुत आसान है। ईपीएफओ के पोर्टल पर जाकर अपनी यूएएन आईडी और पासवर्ड के साथ लॉगिन करें, फिर मैनेज टैब के तहत ई नॉमिनेशन को चुनें और मांगी गई सभी जानकारी और विवरण भरने के बाद अपना आधार सत्यापित करते ही आपकी ई नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। पीएफ सदस्य की असामयिक मृत्यु के मामले में मृतक के परिवार के सदस्य अथवा नामित भविष्य निधि मासिक पेंशन और 7 लाख रुपए तक के बीमा लाभ के हकदार हैं। कई बार नॉमिनेशन के अभाव में उन्हें दर दर भटकना पड़ता है, इसी वजह से सभी भविष्य निधि सदस्यों को अपना ई नॉमिनेशन दाखिल कराने के लिए प्रोत्साहित करने को 12 सितंबर 2019 को एक गहन देशव्यापी अभियान शुरू किया गया, ताकि किसी सदस्य के असामयिक निधन की स्थिति में नामिति के दावों का निपटान कर धन समय पर उपलब्ध कराया जा सके। आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान आइकॉनिक वीक के समारोह तक 75 लाख सदस्यों के ई नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इसके चलते शीर्ष प्रदर्शन करने वाले कार्यालयों और स्थापनाओं को आइकॉनिक वीक के दौरान पुरस्कृत करने का निर्णय लिया गया, ताकि समय रहते अधिक से अधिक ई नॉमिनेशन हो पाए। पश्चिम बंगाल के चंपदानी और अलीपुर द्वार में चाय बागान में काम करने वाले वर्कर्स, हुगली के एंगस जूट कर्मचारी, निजामाबाद, तेलंगाना के बीड़ी श्रमिकों के ई नामांकन के साथ साथ देश भर के विभिन्न स्थानों पर ई नॉमिनेशन के लिए विशेष शिविरों का आयोजन किया गया। इन सब प्रयासों के परिणाम आज रंग लाए हैं। ईपीएफओ ने आइकॉनिक वीक की समय सीमा से पहले ही 75 लाख के ई नामांकन के लक्ष्य को पीछे छोड़ 9 मार्च 2022 तक करीब 93.5 लाख तक ई नामांकन दाखिल कर लिए हैं। इसमें से लगभग 85.5 लाख ई नामांकन आजादी के अमृत महोत्सव की समय सीमा के अंतर्गत दाखिल किए गए हैं, जो कि 12 मार्च 2021 को शुरू हुआ था। इस सफलता में भागीदार ईपीएफओ के सभी कार्यालयों और स्थापनाओं का ईपीएफओ तहे दिल से धन्यवाद करता है। शीर्ष प्रदर्शन करने वाले विजेता कार्यालयों और प्रतिष्ठानों को आज पुरस्कृत किया जा रहा है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अपने हितधारकों के हित के लिए सदैव तत्पर। माननीय महोदय, ई नॉमिनेशन की इस मुहिम को सफलतापूर्वक अंजाम देने के लिए ईपीएफओ के आंचलिक कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ साथ कुछ एस्टैब्लिशमेंट्स को आज के इस समारोह में माननीय मंत्री महोदय द्वारा सम्मानित किया जाएगा। जोनल ऑफिस हुबली ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है और इसके प्रभारी अपर केंद्रीय आयुक्त श्री मारुति भोई अवार्ड प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हैं। सर, आपसे निवेदन है कि कृपया यहां आएं और माननीय मंत्री जी के हाथों अपना अवार्ड ग्रहण करें। इस अवार्ड में एक प्रशस्ति पत्र और 1 लाख रुपए का चेक भेंट किया जा रहा है। श्री मारुति भोई, अपर केंद्रीय आयुक्त हुबली कार्यालय, जोनल ऑफिस हुबली। Thank you.
धन्यवाद महोदय। जोनल ऑफिस कैटेगरी में ही जम्मू कार्यालय दूसरे स्थान पर रहा है और जोनल ऑफिस जम्मू से श्री रिजवानुद्दीन और श्री संजय बिष्ट इस वक्त वर्चुअली हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्री रिजवानुद्दीन और संजय बिष्ट जेडो जम्मू से, जिन्होंने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। तालियां, अभिनंदन इस कार्यालय का। तीसरे स्थान पर रहे पटना कार्यालय और जोनल ऑफिस पटना से श्री संजय कुमार अपर केंद्रीय आयुक्त हमारे साथ वर्चुअली जुड़े हैं। श्री संजय कुमार, रीजनल ऑफिसेस को मूल्यांकन के लिए तीन कैटेगरीज में बांटा गया। लार्ज कैटेगरी जिसमें 8 लाख से ज्यादा एक्टिव अकाउंट्स हैं, मीडियम जिसमें 4 लाख से 8 लाख के बीच एक्टिव अकाउंट्स हैं और स्मॉल कैटेगरी जिसमें एक्टिव अकाउंट्स की संख्या 4 लाख से कम है। लार्ज कैटेगरी में प्रथम स्थान पर रहा क्षेत्रीय कार्यालय नोएडा। नोएडा कार्यालय के प्रभारी श्री शशांक दिनकर वर्चुअली हमारे साथ जुड़े हैं। दूसरा स्थान प्राप्त किया है क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता ने और क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता के प्रभारी क्षेत्रीय आयुक्त श्री कृष्ण शंकर हमारे बीच उपस्थित हैं। आपसे अनुरोध है कि कृपया यहाँ आए और माननीय मंत्री महोदय के कर कमलों से अपना अवार्ड ग्रहण करें। श्री कृष्ण शंकर, और अब बारी है मीडियम कैटेगरी की जिसमें पहले स्थान पर रहा क्षेत्रीय कार्यालय निजामाबाद और क्षेत्रीय कार्यालय निजामाबाद से श्री सुशांत कुमार पाढ़ी इस वक्त वर्चुअली हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दूसरे स्थान पर रहा गुरुग्राम पश्चिम और यहां से श्री प्रशांत शर्मा हमारे साथ वर्चुअली मौजूद हैं। श्री प्रशांत शर्मा, बात करें स्मॉल कैटेगरी की तो इसमें पहले स्थान पर रहा मंगलुरु कार्यालय और दूसरा स्थान मिला उडुपी को। मंगलुरु कार्यालय के प्रभारी श्री एन गोपाल कृष्णन इस वक्त हमें देख पा रहे हैं और हम उन्हें देख पा रहे हैं वर्चुअली। उडुपी के डॉक्टर अजय सिंह चौधरी भी वर्चुअली इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। स्क्रीन पर डॉक्टर अजय सिंह चौधरी उडुपी से। ई नॉमिनेशन के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जहां ईपीएफ कार्यालयों द्वारा प्रोत्साहन दिया गया, अभियान चलाए गए, वहीं इस्टैब्लिशमेंट्स ने भी बहुत आगे बढ़कर काम किया और कभनी संगठन और ईपीएफ मेंबर के बीच एक कड़ी के रूप में काम करते हुए उल्लेखनीय कार्य किया। जिन इस्टैब्लिशमेंट्स को अवार्ड के लिए चुना गया है उन्हें 2 कैटेगरीज में बांटा गया है। सबसे पहले अनएग्जेम्प्टेड कैटेगरी के अवार्ड, पहला स्थान प्राप्त किया है देसाई ब्रदर्स लिमिटेड निजामाबाद ने। देसाई ब्रदर्स लिमिटेड निजामाबाद वर्चुअली हमें दिखाई दे रहे हैं। इसी कैटेगरी में दूसरे स्थान पर है एक्सेंचर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड बांद्रा महाराष्ट्र, जो कि इस वक्त वर्चुअली हमारे साथ मौजूद हैं। एक्सेंचर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड बांद्रा महाराष्ट्र। तीसरे स्थान पर है रिलायंस SMS लिमिटेड वाशी और ये भी हमारे साथ वर्चुअली इस वक्त जुड़े हुए हैं। रिलायंस SMS लिमिटेड वाशी। और अब हम आगे बढ़ रहे हैं एग्जेम्प्टेड एस्टैब्लिशमेंट्स की श्रेणी में और इस वर्ग में 5,000 से ज्यादा सदस्यता वाली बड़ी स्थापना श्रेणी में बाजी मारी है MSEB बांद्रा मुंबई ने। MSEB बांद्रा मुंबई वर्चुअली हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। MSEB बांद्रा मुंबई कुछ तकनीकी कारणों से शायद वो अभी नहीं जुड़ पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं 1,000 से अधिक लेकिन 5,000 से कम सदस्यता वाली मीडियम एस्टैब्लिशमेंट कैटेगरी में विजेता रहा KSRTC मंगलुरु। KSRTC
मेंगलुरु। एक हजार से कम सदस्यता वाली स्मॉल एस्टेब्लिशमेंट कैटेगरी में विजेता रहा है मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी उडुपी। मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी उडुपी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत सरकार द्वारा 2014 में स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ किया गया और केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों द्वारा इस अभियान को सफल बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। ईपीएफओ भी इस दिशा में कार्य कर रहा है और ईपीएफओ के जिस कार्यालय ने उल्लेखनीय कार्य किया उसे आज माननीय श्रम एवं रोजगार मंत्री द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध है कि क्षेत्रीय कार्यालय सेलम के प्रभारी डॉक्टर शिवा कुमार को अवार्ड स्वरूप प्रशस्ति पत्र एवं 1,00,000 रुपए का चेक प्रदान करें। डॉक्टर शिवा कुमार क्षेत्रीय कार्यालय सेलम से अपना अवार्ड लेने के लिए आते हुए माननीय मंत्री महोदय आपसे अनुरोध कि इन्हें अवार्ड प्रदान करें। आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान की जा रही विभिन्न गतिविधियों के रूप में ईपीएफओ के 21 जोनल कार्यालयों ने ई वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर हार्वेस्टिंग, सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल और जर्नल अपकीप आदि जैसे पैरामीटर्स पर अपने अधीन क्षेत्रीय कार्यालय का मूल्यांकन किया और इसके बाद मुख्यालय स्तर पर सभी कार्यालयों के मूल्यांकन के बाद चयन किया गया क्षेत्रीय कार्यालय सेलम का। आज का अगला अवार्ड दिया जा रहा है ISO सर्टिफिकेशन के लिए। ईपीएफओ का वो आंचलिक कार्यालय जिसने अपने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को सबसे पहले ISO सर्टिफाई करवाया वो है आंचलिक कार्यालय पुणे। माननीय मंत्री महोदय से आदर सहित निवेदन है कि जोनल ऑफिस पुणे के अपर केंद्रीय आयुक्त श्री MSKVV सत्यनारायणा को अवार्ड के रूप में प्रशस्ति पत्र और 1,00,000 रुपए का चेक भेंट करें। काबिले गौर बात यह है कि आंचलिक कार्यालय पुणे ने अपने अधीन सभी क्षेत्रीय कार्यालयों का ISO सर्टिफिकेशन पूरा कर लिया है। धन्यवाद मंत्री महोदय। क्षेत्रीय कार्यालय नरोड़ा के कार्यालय भवन का शिलान्यास आज माननीय श्रम एवं रोजगार मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी द्वारा किया जाएगा। क्षेत्रीय कार्यालय नरोड़ा के शिलान्यास स्थल पर मौजूद हैं गुजरात जोन के प्रभारी अपर केंद्रीय आयुक्त श्री कुमार रोहित अपनी टीम के साथ और ये सभी वर्चुअली हमारे साथ जुड़े हैं। माननीय मंत्री महोदय आपसे विनम्र आग्रह है कि रिमोट का बटन दबाकर शिलान्यास करें। नरोड़ा के कार्यालय भवन स्थल का शिलान्यास माननीय मंत्री महोदय के हाथों। और वर्चुअली हमारे साथ देखिए जुड़े हैं सीधे नरोड़ा से श्री कुमार रोहित अपर केंद्रीय आयुक्त अपनी टीम के साथ जुड़े हैं। ये बहुत ही गौरव का क्षण है कि वो यहाँ उपस्थित नहीं है लेकिन हम उन्हें देख पा रहे हैं। ईपीएफओ के शिमोगा और चिकमंगलुरु कार्यालयों की ऑफिस बिल्डिंग का इनॉग्रेशन भी माननीय मंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा किया जाएगा। पहले शिमोगा कार्यालय की नई ऑफिस बिल्डिंग की एक झलक देख लेते हैं। शिमोगा कार्यालय for a total built-up area of 1,225 square meters. A beautiful public relation office is provided with two counters for daily inquiries with additional help desk for UAN, KYC, e-nomination, Jeevan Praman and a special women help desk. This building is provided with modular furniture, firefighting, fire alarm systems, centralized air conditioning, with the VRF system and a passenger lift as per Access India scheme. Power backup is provided with 125 kVA DG set. All the workstations have been provided with uninterrupted power supply. The building is constructed by duly following all the green norms as per the latest national building codes.
The regional office has 3,800 covered establishments with around 3 lakh subscribers and 32,000 pensioners of Shivamogga and Davangere districts of Karnataka state. The building is now ready for inauguration. Thank you. माननीय मंत्री महोदय से पुनः अनुरोध कि रिमोट दबाकर इनॉग्रेशन करें शिमोगा की ऑफिस बिल्डिंग का। शिमोगा के क्षेत्रीय आयुक्त एपी उन्नीकृष्णन वर्चुअली इस वक्त सीधे शिमोगा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उन्नीकृष्णन जी, माननीय मंत्री महोदय और अब जो अगला कार्यालय है उसकी एक झलक पहले आप देख लीजिए। जो नया कार्यालय बना है चिकमंगलुरु कार्यालय, इसकी नए जो ऑफिस बिल्डिंग है उसकी एक झलक चिकमंगलुरु। रीजनल ऑफिस चिकमंगलुरु वाज सेट अप इन द कॉफी सिटी ऑफ कर्नाटक ऑन 16 सितंबर 2002 टू केटर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ चिकमंगलुरु एंड असम डिस्ट्रिक्ट। अराउंड 4500 एस्टैब्लिशमेंट्स आर कवर्ड विद 2.5 lakh members. There are 18,000 pensioners, and in the current year, this office has settled around 38,000 claims. A land of 1.13 acre was acquired from Karnataka Housing Board, and the building is constructed by Central Public Works Department (CPWD) with ground plus first floor. The total built-up area of the building is 1,075 square meters. PRO section is the face of this office and interacts with stakeholders who visit this office. It is well organized with good sitting arrangements, kiosks for the online services, and Jivan Praman Bing for collecting the life certificates. All sections are well equipped with modular furniture. The office is provided with solar power plant, LED installations, CCTV system, lamp and van, air conditioners with VRF system, firefighting system with fire alarm, with 125 kV generator backup pulse. Further, a lift has also been provided for the use of physically challenged persons as per the Access India scheme. The building is surrounded by beautiful landscape developed by the horticulture wing of CPWD. Now, building is ready for inauguration. Thank you. माननीय मंत्री महोदय, मेरा आपसे पुनः आदर सहित अनुरोध है कि कृपया रिमोट का बटन दबाकर चिकमंगलुरु के कार्यालय भवन का इनॉग्रेशन करें। और चिकमंगलुरु ऑफिस के रीजनल कमिश्नर श्री सचिन टी शेट्टी भी इस वक्त वर्चुअली आप देख सकते हैं हमारे साथ मौजूद हैं। बेहद गौरव का क्षण, बेहद खुशी का लम्हा है ये। धन्यवाद महोदय। हमारे बीच श्री संजय किशन माननीय मंत्री असम मौजूद हैं। हमारा आपसे अनुरोध है सर कि माननीय श्रम एवं रोजगार मंत्री जी को ESIS हॉस्पिटल तिनसुखिया असम का जो औपचारिक भेंट करना है ESI कॉरपोरेशन को सौंपे जाने का वो कार्य आज पूरा करें। इस औपचारिकता को पूर्ण कर रहे हैं, जैसे कि सचिव महोदय ने भी बताया था, ESIC हॉस्पिटल तिनसुखिया को ESI कॉरपोरेशन को सौंपे जाने का ये औपचारिक क्षण है। धन्यवाद। भारत के बेहद सुंदर पूर्वोत्तर क्षेत्र का असम राज्य और इसका सबसे बड़ा शहर है गुवाहाटी, जहां इस वक्त हम सब मौजूद हैं। ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी तट पर स्थित इस शहर को गेटवे टू नॉर्थ ईस्ट इंडिया कहा जाता है। यहां मौजूद कई प्राचीन मंदिरों की वजह से गुवाहाटी को द सिटी ऑफ टेंपल्स के नाम से भी जाना जाता है। यह हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे साथ उपस्थित हैं असम के माननीय मुख्यमंत्री श्री हिमंता बिस्वा शर्मा जी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपसे विनम्र अनुरोध है कि कृपया अपने विचार हमारे साथ साझा करें, हमें अनुग्रहित करें। माननीय मुख्यमंत्री असम, करतल ध्वनि से अभिनंदन माननीय मुख्यमंत्री जी का।
आदरणीय श्री भूपेंद्र यादव जी मिनिस्टर फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, श्री रामेश्वर तेली जी मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, माय कॉलीग श्री संजय किसान मिनिस्टर फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफ असम, श्री अशोक सिंघाल जी मिनिस्टर फॉर अर्बन अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ असम, सुनील जी सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, लेडीज एंड जेंटलमैन, पहला बार मैं ये अनुष्ठान से मेरा शामिल होने का मौका हुआ। मैं नहीं जानता हूँ कि पहले कब ईपीएफओ का बैठक गुवाहाटी में अनुष्ठित हुआ था, लेकिन मेरा जो मेमोरी है इस मेमोरी का अनुसार मैं 2001 से मंत्री रहा, लेकिन ऐसा अनुष्ठान गुवाहाटी में हुआ मेरा याद में नहीं है। तो मैं भूपिंदर भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप गुवाहाटी को सिलेक्ट किया ये बड़ा कार्यक्रम के लिए। ये जो कार्यक्रम है गुवाहाटी में हुआ है, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है पूरा भारत में है। इसलिए हमने देखा कैसे आंध्र प्रदेश का कर्नाटक का कार्यालय का उद्घाटन हुआ, स्वच्छ भारत का लोगों को पूरा देश भर का लोगों को पुरस्कार मिला, ई नॉमिनेशन के लिए पूरा देश भर का कार्यालय का पुरस्कार मिला। मतलब कुछ समय के लिए मेरा ऐसा लग गया कि गुवाहाटी ही आज देश का राजधानी है, मेरा ऐसा लग गया। तो मैं मंत्री महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और ये मोमेंट के लिए। ईपीएफओ का बारे में मेरा बोलना मैं नहीं समझता हूँ कि बहुत मेरा बोलना ज़रूरी होता है, इसलिए आप लोग सब जानते हैं कि हमारा ईपीएफओ का कितना बड़ा रोल है ऑन द वेलफेयर फ्रंट, और कैसे देश का श्रमिकों का पूरा कल्याण के लिए ईपीएफओ ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम काम कर रहा है। हमारा जो हमको जानकारी दिया गया है, लास्ट ईयर ऑलमोस्ट 3.8 करोड़ क्लेम्स ईपीएफओ द्वारा सेटल किया गया है। तो यही से एक हमको समझ में आते हैं कि कितना बड़ा काम ईपीएफओ हमारा देश का श्रमिकों का कल्याण के लिए कर रहा है। और इतना बड़ा संस्था, पूरा मेरा तो मानना है कि विश्व में ही यह सबसे बड़ा संस्था है, इतना बड़ा काम कर रहा है और श्रमिकों का कल्याण के लिए काम कर रहा है। और आज हम देख सका हूँ कि इस काम को एक नया लेवल तक ले जाने का एक प्रयास शुरू हुआ है। आईएसओ सर्टिफिकेशन का काम शुरू हुआ है, पूरा डिजिटल इंडिया का एक जो मानचित्र है उसमें सलते हुए ई ऑफिस में बदलाने का काम शुरू हो गया है, ई नॉमिनेशन का काम शुरू हुआ है कि लोगों को अगर हम नहीं चाहते हैं लेकिन अगर किसी का मृत्यु हुआ तो उनका उत्तराधिकारी ऑफिस में भटकते ना पड़े। तो पूरा काम को एक नेक्स्ट लेवल तक ले जाने का प्रयास चल रहा है, और भूपिंदर भाई का नेतृत्व में मेरा पूरा विश्वास है कि ये नेक्स्ट लेवल में पहुँचेगा और एक हैसल फ्री, और एक जो हमारा एक मानदंड है मोदी जी ने जो किया है कि भारत को विश्वगुरु बनना है, तो भारत का मानदंड वर्ल्ड का माफिक नहीं होना चाहिए, वर्ल्ड प्लस वन होना चाहिए। मतलब विश्व में जो मानदंड चल रहा है उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही होना चाहिए, और इस रोड मैप में ईपीएफओ सल पड़ा है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जो काम हो रहा है। अभी जो हमारा लेबर वेलफेयर और श्रमिकों को कल्याण के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व में बहुत बड़ा काम हुआ है, और इस श्रृंखला में जो लेबर कोड का पार्लियामेंट में अनुमोदन दिया है, सारो लेबर कोड का, ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम हुआ है। असम सरकार ने भी ये सारो लेबर कोड को अभी हमने पब्लिक कंसल्टेशन के लिए अपलोड कर चुका हूँ,
लगभग तीनों का पब्लिक कंसल्टेशन समाप्त हो गया है और लास्ट जो का लेबर कोड है उनको भी हमने कंसल्टेशन के लिए कैबिनेट से स्वीकृति दिया गया है और अभी उसका भी कंसल्टेशन का प्रक्रिया चल रहा है। मैं हमारा लास्ट कैबिनेट मीटिंग में मैंने हमारा माननीय मंत्री जी संजय किसान जी को एडवाइस दिया हूँ कि थोड़ा सा इतना बढ़िया कोड बना है उसका पेनेट्रेशन होना चाहिए, लोगों को जानना चाहिए, तो स्टेक होल्डर कंसल्टेशन करके इसको थोड़ा और लोगों का मानसिकता में लेके जाना है कि देखिए हमारा भविष्य इतना बड़ा है और इतना बढ़िया हमारे लिए वेलफेयर एक जो पूरा की पूरा सोचा गया है उसको जनमानस में ले जाने का काम करने का मैं उपदेश भी दिया हूँ मेरा कलीग मिनिस्टर को। और मेरा मानना है कि हम समयबद्ध तरीका से या विद इन द टाइम लिमिट हमारा लेबर कोड का एक्सेप्टेंस भी हम भारत सरकार को भेज सकूंगा। माननीय मंत्री जी आप असम का एक शुभ चिंतक है और आपका निरंतर असम भ्रमण होता है, तो असम का बारे में मैं आपको बहुत बोलना नहीं चाहता हूँ। अभी हमारा रामेश्वर तेली जी का नेतृत्व में ई श्रम का कार्ड का काम हुआ और असम में 65 लाख लोगों का जो रजिस्ट्रेशन हुआ ई श्रम में वो एक बहुत बड़ा काम है, हमारा जो अपने आप ही एक बहुत बड़ा काम है। और उसमें तेली जी पूरा ही हैज़ लेड दिस इनिशिएटिव फ्रॉम द फ्रंट, तो मैं तेली जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज का जो सभा है सुनील जी ने हम लोग को बताया कि हमारा जो गुवाहाटी का हॉस्पिटल है और तिनसुकिया का हॉस्पिटल है इसको एक नेक्स्ट लेवल ले जाने का एक प्रयास शुरू हुआ है और उसका जो फॉर्मेलिटीज है वो भी पूरा हो चुका है। और मेरा मानना है कि गुवाहाटी और तिनसुकिया कार्यालय भी हमारा हॉस्पिटल भी बहुत बढ़िया हो जाएगा। मैं लास्ट जब से भूपिंदर जी भूपिंदर भाई मैं भाई बोलता हूँ इसलिए सचमुच मेरा बड़ा भाई है और जब से उन्होंने ये मंत्री पद का लिया रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया तब से मैं उनसे आग्रह कर रहा हूँ कि असम में एक मेडिकल कॉलेज बने हमारा ईपीएफओ का थ्रो से या हमारा ईएसआईसी का थ्रो से। किस लिए असम में हमारा इतना लेबर है, अभी हमारा जो प्लांटेशन सेक्टर है इसमें इतना लोग काम कर रहा है, मतलब ब्रिटिश का दिन से ये एक ऑर्गेनाइज सेक्टर रहा और इतना लोग इस काम में जुड़े रहा, तो एक मेडिकल कॉलेज अगर असम के लिए दिया जा सकता है तो ये बहुत बढ़िया होगा। मैं नहीं जानता हूँ इसका क्या रूल्स है, क्या कंपल्सन है, क्या अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन मेरा ये गुजारिश रहेगा अगर एक मेडिकल कॉलेज असम को मिले मेरा श्रमिक भाई को लिए ये बहुत बढ़िया होगा। और मेडिकल कॉलेज हम भी मैनेज कर सकता हूँ एक बार बनने का बाद, या जो भी सिस्टम है हम लोग फॉलो कर लेगा, ये मेरा गुजारिश है। मैं दोबारा आप सब लोग को अभिनंदन करता हूँ आप लोग गुवाहाटी आए, मेरा गुजारिश होगा जाने का पहले माँ का मंदिर भी दर्शन करके जाइए, ये सबसे जो लोग भी गुवाहाटी आते हैं उनको माँ का मंदिर जरूर जाना चाहिए, माँ का आशीर्वाद लेके जाना चाहिए, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा। यही दो बात बोलते हुए मैं मेरा वाणी को विराम देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री महोदय कि आपने हमारे साथ अपने विचार साझा किए। ये हमारे लिए बेहद हर्ष एवं गौरव का क्षण है क्योंकि इस कार्यक्रम में माननीय श्रम एवं रोजगार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री और केंद्रीय न्यासी बोर्ड के अध्यक्ष श्री भूपेंद्र यादव जी उपस्थित हैं। आपके करकमलों द्वारा नई पहल का शुभारंभ एवं पुरस्कार वितरण हमारे लिए न केवल उत्साहवर्धक है बल्कि इससे भविष्य के लिए भी हमारे भीतर एक नई प्रेरणा और नवीन ऊर्जा का संचार हुआ है। माननीय मंत्री महोदय, मेरा आपसे आदर सहित अनुरोध है कि इस अवसर पर कृपया अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करें और हमारा मनोबल बढ़ाएं। करतल ध्वनि से अभिनंदन माननीय मंत्री महोदय का। प्रोविडेंट फंड के बोर्ड की इस मीटिंग के समापन समारोह में हमारे बीच में हमारे आग्रह पर
विशेष रूप से उपस्थित हमारे भाई सम्मान्य डॉक्टर हेमंत विश्व शर्मा जी, मंत्रालय के मेरे साथी मंत्री श्री रामेश्वर तेली जी, असम सरकार के श्रम मंत्री श्री संजय किसान जी, श्री अशोक सिंघल जी, श्रम विभाग के हमारे सचिव श्री सुनील बर्थवाल जी और प्रोविडेंट फंड की कमिश्नर श्रीमती नीलम जी, हमारे सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ के सभी, हमारे ट्रेड यूनियंस के, एम्प्लॉयर्स के और गवर्नमेंट के सभी प्रतिनिधिगण, श्रम और रोजगार मंत्रालय के अधिकारीगण, मीडिया के मित्रों, देवी और सज्जनों, ये हमारा सौभाग्य है कि आज हम लोग गुवाहाटी में उपस्थित हैं। अभी हेमंत जी कह रहे थे आए तो माँ के दर्शन करके जाना, लेकिन मेरा निजी अनुभव भी है कि जब तक माँ चाहती भी नहीं है कोई गुवाहाटी आ भी नहीं सकता है और आने के बाद दर्शन भी नहीं कर सकता है। ये जो गुवाहाटी है नीलांचल पर्वत है और कामाख्या तो एक स्वरूप है, उसकी पूरी दश महाविद्या पूरे नीलांचल पर्वत पर विद्यमान है। लंबे समय से लोगों ने ना केवल यह साधना करी बल्कि तरक्की की, विश्वास की, बहुत लोगों ने अपने मन को रखा। और आसाम तो ऐसा प्रदेश है जहाँ कला में, संस्कृति में एक सामाजिक जीवन के विकास में, स्त्री पुरुष समानता में आसाम पूरे देश को सिखाने जैसा, आसाम का हमारा एक बृहद सांस्कृतिक स्वरूप है। लंबे समय से आसाम में केवल टी गार्डन नहीं, रिफाइनरी के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में और बाकी क्षेत्रों में काफ़ी देश के लिए आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से योगदान रहा है। और मुझे ये बताते हुए खुशी भी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में दुनिया में हमारे पास 52 टाइगर रिजर्व्स हैं। और जब ये घोषित किया गया कि भारत के सबसे बढ़िया टाइगर रिजर्व्स कौन से हैं, तो उसमें से दो रिजर्व जो हमारे 14 टाइगर रिजर्व का एक्रेडेशन दुनिया भर में हुआ, उसमें दो टाइगर रिजर्व हमारे आसाम के भी हैं। और काजीरंगा जैसा, मानस जैसा जो विशेष स्थल है, ये पूरा इको टूरिज्म की दृष्टि से एक बहुत बड़ा क्षेत्र है और इन सब का संवर्धन करना, इनके साथ विकास करना, इसके लिए आसाम सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध भी है। प्रोविडेंट फंड में मुझे इस बात की खुशी है कि पहले जब पीएफ की मीटिंग होती थी तो 2 घंटे या 3 घंटे के लिए होती थी, लोगों को लगता था ट्रेड यूनियन वाले क्या बोलेंगे, एम्प्लॉयर क्या सोचेंगे, सरकार क्या जवाब देगी, लेकिन मुझे आज ये बताते हुए खुशी है कि अब तो 24 घंटे हो गए हमारी मीटिंग शुरू हुई थी, पूरी मीटिंग बहुत कंस्ट्रक्टिव तरीके से और बड़े निर्णयों को लेकर के, जिसको हम देश में कहते हैं कि सरकार मजदूर क्षेत्र में ट्राइपार्टी सिद्धांतों के आधार पर चले, मुझे लगता है इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा ये कहा है कि उनकी सरकार गरीब कल्याण के लिए समर्पित सरकार है और ये जो गरीब कल्याण के लिए समर्पित सरकार है, श्रम मंत्रालय में हमारे दो बड़े डिपार्टमेंट हैं, एक जिसको हम सामाजिक सुरक्षा सोशल सिक्योरिटी के नाम से मानते हैं वो हमारा ईपीएफओ है और दूसरा जो हमारा सोशल सर्विस सामाजिक सेवा के नाम से है वो हमारा ईएसआईसी डिपार्टमेंट है। ईपीएफओ की मीटिंग देश का, जो दुनिया का सबसे बड़ा सोशल सिक्योरिटी का फंड है, और जब हम इसको सोशल सिक्योरिटी के साथ जोड़ते हैं तो हमारे सामने सबसे बड़ा लक्ष्य ये रहता है कि जो मजदूरों का पैसा है
उसको इस प्रकार से आगे इन्वेस्ट किया जाए ताकि उसके पैसे की सुरक्षा बनी रहे। ये कोई कमर्शियल बॉन्ड नहीं है, ये कमिटमेंट है, ये एश्योरेंस है। ये एश्योरेंस उस मजदूर के लिए है जो एक बुजुर्ग के रूप में जब अपना जीवन जिए तो उसको सम्मान से, डिग्निटी के साथ, पूरे सामाजिक सुरक्षा के साथ उसके जीवन में एक आधारभूत संरचना बनी रहे। और इसलिए मुझे ये बताते हुए ये खुशी है कि पिछले वर्ष 8,29,000 करोड़ रुपए हमारे कोष पर हम लोगों ने 8.5% के हिसाब से 70,457 करोड़ रुपए का कॉर्पस में राशि वितरित करी थी। इस वर्ष ये आय बढ़कर 76,768 करोड़ हुई, जो 7.9% है। कोष की भी संख्या बढ़ी क्योंकि हमारे कॉन्ट्रीब्यूटर्स बढ़े, उतना ही हमको वितरित करना है। और हमें इस बात को बताते हुए अच्छा भी लगता है कि SBI में अगर FD की जाती है 10 साल के लिए तो वहाँ पर 5.45% का ब्याज मिलता है। हमारे जो समानार्थक, हमारे जो बिल्कुल सिमिलर इंस्ट्रूमेंट है, चाहे PPF का हो चाहे बाकी के इंस्ट्रूमेंट हो, सब में 6.8 से लेकर 7.1% तक जो है उसमें ब्याज का वितरित किया जाता है। और इसलिए इस बार हमारे बोर्ड ने जिस प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति और इक्विटी बाजार की स्थिति बनी है, उसमें इन्वेस्टमेंट के साथ जो सोशल सिक्योरिटी को भी रखना है, हम बहुत हाई रिस्क वाले इंस्ट्रूमेंट को नहीं ले सकते हैं। वो मार्केट करने के लिए हम लोग नहीं, हम मार्केट में एक स्थायित्व के लिए, एक सामाजिक सुरक्षा के लिए हैं। और इसलिए इस बार हमने जो रिकमेंडेशन हमारी कमेटी की तरफ से, बोर्ड की तरफ से करी है कि हमारे EPF पे 8.10% ब्याज दर अनुमानित आय और अनुमानित आय के मुकाबले के लिए हमने रिकमेंडेशन करी। और मुझे ये बताते हुए खुशी है कि इतना करने के बाद भी हमारा जो सरप्लस होगा, हमारा सरप्लस 450 करोड़ रुपया होगा। और मुझे लगता है कि जो अनुमान हमने किए हैं हम उसके काफ़ी नज़दीक पहुँचे हैं। और हमारा ये मानना है कि जो हमारा सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्ट है EPF का, वो ये जो सिफारिश हमने करी है, हमारी सिफारिश करने के पीछे आधार ये है कि ट्रस्ट का पैसा सुरक्षित रहे, पर्याप्त सुरक्षा के साथ उच्च रिटर्न को संतुलित करते हुए विवेकपूर्ण निवेश के विकल्पों की तलाश करी जाएगी। और इसलिए जब पिछली बैठक हमारी हुई थी तो हम लोगों ने EPFO में 4 कमेटियों का निर्माण किया था। हमारे 16,000 कर्मचारी हैं, 21 से ज़्यादा रीजनल ऑफिस हैं, लगभग 117 से ज़्यादा जिलों के ऑफिस हैं। और मेरा ये मानना था कि जो 16,000 कर्मचारी हैं, उन सारे कर्मचारियों में कई बार हमारे लोगों को भी ये लगता था कि जो उनका प्रमोशन का आधार है वो बढ़ना चाहिए, सारे कर्मचारियों का कैपेसिटी बिल्डिंग बढ़ना चाहिए। और इसलिए हमने एक HR कमेटी को बनाया। और मुझे बताते हुए खुशी है कि HR कमेटी की जो सिफारिशें मानव संसाधन समिति में जो करी गई, और जो एक हमारे डाइंग जो कैडर्स थे उनमें कम से कम कर्मचारियों को लगे कि हमारे को आगे तरक्की करने का आधार रहेगा, उन सिफारिशों को आगे बढ़ाया गया है। और ग्रुप C और D में हम लोग एक लंबे समय तक ये चाहते थे कि एक ट्रांसपेरेंट ट्रांसफ़र पॉलिसी आए, और उसके साथ ही साथ हम सभी कर्मचारियों की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए एक अच्छा ट्रेनिंग का कार्यक्रम शुरू करें। इन सारी सिफारिशों को, CPFC की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए हम लोगों ने स्वीकार किया है। इसके साथ ही साथ एक कमेटी हमने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए करी थी। और मुझे बताते हुए खुशी है, कई बार लोग मेरे को ये कहते हैं कि साहब आप तो कर्मचारी को डील करते हो, वो डिजिटली कैसे आप उन तक पहुंच सकते हो। जब मैंने शुरू में ई श्रम पोर्टल को भी शुरू किया था, लेकिन मुझे ये बताते हुए खुशी है कि 6 महीने के अंदर डिजिटली 26 करोड़ कर्मचारियों ने ई श्रम पे रजिस्ट्रेशन कराया है। और ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की संकल्पना है कि आज हम ये कह सकते हैं कि 26 करोड़ के 26 करोड़ हमारे जो ई श्रम पे
असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है, हर एक को हमने 2 लाख रुपए का जीवन बीमा का कवर दिया है। इतना बड़ा जीवन बीमा का कवर किसी भी सरकार ने नहीं दिया। और उसके साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी, अभियान आप अपने आसाम में भी चला सकते हैं। हम लोगों ने असंगठित क्षेत्र के लिए एक नया कार्यक्रम शुरू किया है, डोनेट ए पेंशन। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जितने भी हमारे असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, मतलब हम बाहर निकलेंगे तो बड़ा होटल है लेकिन इस होटल के कर्मचारियों को चाय पिलाने के लिए कोई बाहर चाय की दुकान वाला होगा, कोई पान वाला होगा, कोई रिक्शे वाला होगा, हम अपने मोहल्ले में रहते हैं कुछ मोची होगा, कोई हमारा बाल काटने वाला छोटा हजाम होगा, ये जो हमारे असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा इनके लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना शुरू की गई थी। कितने लोग हमारे जीवन के संपर्क में आते हैं, हमें लगता है कि इसके बारे में चिंता करनी चाहिए। हमारे घर में काम करने वाली मेड से लेकर के कितने लोग आते हैं, हमने ये कार्यक्रम शुरू किया है डोनेट ए पेंशन। आपके अकाउंट से सीधा उसके अकाउंट को कनेक्शन किया जा सकता है। आप 200 रुपये महीने का देंगे लेकिन 60 साल के बाद इस असंगठित क्षेत्र के मजदूर को 3,000 रुपया महीना ये भारत सरकार के द्वारा किया जाएगा। और अगर आप जितनी राशि देंगे उतनी ही मैचिंग राशि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जमा होगी। और इसलिए हम सबको, यहाँ बैठे हुए सब लोगों को आह्वान करते हैं कि आप इतना चैरिटी की बात करते हैं, इतने कल्याण की बात करते हैं, आपके जीवन से जुड़े हुए छोटे से मजदूर के जीवन में अगर आप ये परिवर्तन कर सकें तो डोनेट ए पेंशन की योजना के साथ आप जरूर जुड़ें। और इसलिए जो आईटी कमेटी है, उस आईटी कमेटी में हमने ईएसआईसी के, ईपीएफओ के आज जो 93 लाख रजिस्ट्रेशन करें, महिलाओं के 100% क्लेम को समाधान करने के लिए अभी आइकॉनिक वीक में हम लोगों ने हेल्प डेस्क को खोला है, लेकिन उसके साथ ही साथ ये जो ईपीएफओ का फंड है इसको पूरे तरीके से, क्योंकि इसको एक सिंगल नंबर देने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने सरकार में आने के बाद किया था, लेकिन अब इस कैपेसिटी बिल्डिंग को बढ़ाने के लिए कल हमारी आईटी की प्रेजेंटेशन भी आई थी, जितनी राशि हमारे पास है एसबीआई के मुकाबले में उतनी ही क्षमता का हमें निर्माण करना होगा। और उस क्षमता निर्माण करने के विषयों को भी हमारे यहाँ पर हम लोगों ने स्वीकार किया है। लगभग 2000 से ज़्यादा नई भर्तियाँ भी हमारे डिपार्टमेंट के द्वारा की गई है। ईएसआईसी के द्वारा भी 5000 डॉक्टरों की भर्ती की प्रक्रिया को शुरू को किया गया है। एक और जो सबसे बड़ा विषय है कि इस कवरेज को बढ़ाने के लिए, और उसके साथ ही साथ हम ये जानते हैं कि ईपीएफओ में जो हमारे क्लेम्स रहते हैं उन सारे मुकदमों को त्वरित गति से निस्तारण करने के लिए अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की तरफ हमको जाना चाहिए। हमको अपने लॉयर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग करनी चाहिए। हमारे लॉयर्स का कम से कम एक जो क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑलरेडी डिसाइड हो गए हैं उसके संबंध में उनको गाइडलाइन देनी चाहिए। तो कल हमारी कमेटी ने भी हमारा जो लीगल विषय है, ताकि हम त्वरित तरीके से अनावश्यक मुकदमेबाजी को दूर कर सकें, उसके लिए भी निर्णय लिए गए हैं। इसके साथ ही साथ पेंशन सुधार के लिए हमें लगा कि जो हमारी कमेटी ने बातें करी कि पेंशन सुधार को लेकर के जो इस क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं उनको और एक टास्क फोर्स के रूप में बनाना चाहिए, वो गठन भी हम लोगों ने पूरी तरीके से किया है। और इसलिए अभी एक और जो विषय कहा गया ईएसआईसी अस्पतालों का, हम जो सबसे बड़ा काम अपने श्रम मंत्रालय के द्वारा कर रहे हैं कि हम ईएसआईसी अस्पतालों को ना केवल एक सामान्य अस्पताल के रूप से चलाना चाहते हैं, हम जो ऑक्यूपेशनल बेस्ड डिसीज है, यहाँ पर भी प्लांटेशन के वर्कर बहुत हैं, तो ऐसा नहीं है कि प्लांटेशन के वर्कर जो काम करते हैं उनको भी प्लांटेशन में काम करते करते मौसम के हिसाब से अन्य बीमारियों का सामना करना पड़ता है जो देश के कई और भागों में नहीं होती होगी। और इसलिए अभी जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है, मैं हेमंत जी से कहना चाहूँगा कि अगर यहाँ पर कोई ईएसआईसी के मेडिकल कॉलेज का प्रस्ताव आएगा तो निश्चित रूप से हमारे 18 मेडिकल कॉलेज इस समय देश में चलते हैं, ईएसआईसी को अगर ये अवसर मिलेगा तो आसाम में भी उसको हम प्रारंभ करेंगे, ताकि यहाँ पे जो ट्री प्लांटेशन के जो हमारे वर्कर हैं उनके ऑक्यूपेशनल डिसीज के बारे में भी एक सेंटर बनाया जा सके। वैसे मैं बताना चाहूँगा कि आसाम में इस समय जो 34 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें से 33 डिस्ट्रिक्ट जो हैं
वो पूरी तरीके से ईएसआईसी की स्कीम से कवर है। एक जो आपका नया जिला बना है बजली, वो हम भी हम लोगों ने आंशिक रूप से कवर किया है। इसके साथ ही साथ अभी जो आसाम सरकार ने हम लोगों को ईएसआईसी को जो अस्पताल सौंपा है, उसके अतिरिक्त हमारे सचिव महोदय भी बता रहे थे कि बेला टोला का जो अस्पताल है उसको अपग्रेडेशन करके अच्छे ढंग से बनाने का काम ये हमारे द्वारा किया जाएगा। और इस समय हमने ईएसआईसी में एक नया डैशबोर्ड बनाया है, क्योंकि हमने देखा है कि कई अस्पताल हमारे 10 साल से 5 साल से लगातार पेंडिंग पड़े हुए हैं। आसाम में भी निगम द्वारा 2006 में 50 बिस्तर वाले अस्पताल को दिया गया था, ये सारे अस्पताल अब हम लोग डैशबोर्ड के ऊपर लेकर के आ गए हैं। मैं आज इस ईपीएफओ की मीटिंग में विशेष रूप से जितने भी निर्णय लिए गए हैं उसके लिए बोर्ड के सभी सदस्यों को बधाई देना चाहूँगा, हमारे जो ईपीएफओ की कमिश्नर है उनको बधाई देना चाहूँगा। और अब हम लोगों ने यह भी तय किया है कि हम हर तीसरे या चौथे महीने हमारा बोर्ड लगातार जो हमारी कमेटी बनती है उस पर निर्णय लेने के लिए मिलेगा। कल हम लोगों ने तय किया था कि इस बार जून के अंत में या जुलाई में हमारा बोर्ड वापस से केरल में मिलेगा। कई सदस्यों ने कहा कि केरल में उस समय मानसून बहुत तेज आ जाता है, लेकिन मिलना हम लोग भारत के किसी ना किसी एक कोने में मिलते हैं, इसलिए तय किया है कि अब हम जून के लास्ट या जुलाई के फर्स्ट वीक में बेंगलोर में मिलेंगे, ताकि दक्षिण भारत में ही मिलना होगा। और जो निर्णय हमारी कमेटियों ने लिए हैं इन निर्णयों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मित्रों, मैं इस आज की इस बैठक के इस कार्यक्रम में ये कहना चाहूँगा कि हमारा अब ईएसआईसी का या ईपीएफओ का बोर्ड हो, लगभग 12 घंटे तक सभी लोग बैठ कर के इन सारे विषयों को आगे बढ़ाते हैं। मैं पुनः ये कहना चाहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी की जो संकल्पना है कि उनकी सरकार गरीब कल्याण के लिए समर्पित सरकार है, देश के मजदूरों के हितों के लिए, देश के मजदूरों के लिए जो हमको सरकार ने एक अवसर दिया है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, हम ईपीएफओ में को लिटिगेशन से जितना मुक्त करेंगे, जितना कंप्लायंस के सिस्टम को हम अच्छा करेंगे, न केवल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को हम आगे बढ़ाएंगे, बल्कि जो मजदूर हैं उनको भी सही समय पर उनकी सामाजिक सुरक्षा के विषयों को पहुँचाने में कामयाब हो सकेंगे। और इसलिए आज हम लोगों ने यह भी तय किया है कि कमेटियों के जिन विषयों को हम लोगों ने यहाँ पर हमारी चारों कमेटियों के विषयों को स्वीकार किया है, उन विषयों के साथ साथ इन विषयों को आगामी बैठक से पूरा करने से पहले हम ईएसआईसी की ओर बैठ के करेंगे, ईएसआईसी के सभी कर्मचारियों की कैपेसिटी बिल्डिंग को आगे बढ़ाएंगे। मुझे बताते हुए भी खुशी है कि पिछले दिनों हमारे ईएसआईसी की जब बोर्ड की मीटिंग हुई थी तो हमारे दो खिलाड़ियों ने जो दिव्यांग थे इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक में, उन लोगों ने गोल्ड मेडल जीता, जिनको ईएसआईसी ने 1 करोड़ दिया भगत को, और जिसने हमारी भावना पटेल ने जो उस पर व्हील चेयर पर चलती है लेकिन टेबल टेनिस में सिल्वर मेडल लेकर आई उसको हमने 50 लाख दिए। कल हमने बोर्ड में ये भी तय किया है कि अब ईपीएफओ में भी जो खेल की प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए और कल्चर की प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए ईपीएफओ में भी हम इस प्रकार के लोगों को प्रोत्साहन देंगे, ताकि हमारे कर्मचारियों का कैपेसिटी बिल्डिंग होने के साथ ही साथ ये जो फिट रहने की जो स्प्रिट आती है वो स्प्रिट भी आगे जाए। आने वाले समय में 21 जून को पूरे देश में योग दिवस का भी कार्यक्रम आ रहा है। इस बार ईएसआईसी में हम लोगों ने ये तय किया है कि योग दिवस के अवसर पर हम जितने भी श्रमिक बस्ती है वहाँ पर स्वच्छता का अभियान भी चलाएंगे, योग दिवस का कार्यक्रम भी हम वहाँ पर आयोजित करेंगे। और आज मैं ये बधाई देना चाहूँगा कि ये जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हमारे सभी कार्यालय स्वच्छ बने, उसके लिए पुरस्कार दिया गया। और मुझे बताते हुए खुशी है कि श्रम मंत्रालय में भी जब हमने स्वच्छता का अभियान चलाया था तो हमारे श्रम मंत्रालय में 4,500 स्क्वायर फीट की जगह खाली मिली हुई, मतलब जहां पर कचरा भरा हुआ था इतनी खाली मिली कि 4,500 स्क्वायर फुट एकदम खाली होकर कार्यालय के रूप में काम में आई। और पर्यावरण मंत्रालय में तो हमने जब बेसमेंट की सफाई करी तो उसका फायदा यह हुआ, बेसमेंट तो साफ हुआ ही, हमारे सीपीसीबी में कर्मचारियों के लिए जिम्नेजियम भी हमने वहाँ पर खोला, क्योंकि ध्यान ही नहीं देते थे कि ये चीज़ कहाँ रहती है। इसलिए मैं सारे प्रोविडेंट फंड के जितने भी कर्मचारी हमारे से जुड़े हुए हैं उनको ये कहना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जी का जो स्वच्छता का अभियान है
अगर हम अपने कार्यालय को स्वच्छ रखेंगे, अपनी कार्यक्षमता भी बढ़ेगी, बीमारी से भी बचेंगे। इसलिए आने वाले समय में भी जो हमारे प्रोविडेंट फंड के कार्यालय स्वच्छता अभियान में अब बढ़ चढ़ करके भाग लेंगे, उनका भी हम सम्मान करेंगे। देश को स्वच्छ, स्वस्थ और देश के मजदूरों को सक्षम बनाए, प्रधानमंत्री जी की इसी संकल्पना को हम आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद महोदय। और अब केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त महोदया से मेरा अनुरोध कि कृपया धन्यवाद ज्ञापित करें। माननीय केंद्रीय मंत्री जी, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, माननीय मुख्यमंत्री जी, असम सरकार, माननीय राज्य मंत्री जी श्री रामेश्वर तेली जी, माननीय राज्य मंत्री असम सरकार श्री संजय किशन जी, माननीय राज्य मंत्री जी असम सरकार श्री अशोक सिंघल जी, एवं सचिव लेबर एवं एम्प्लॉयमेंट श्री सुनील बर्थवाल जी, यह ईपीएफओ के लिए प्रत्येक वर्ष का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे गरिमामयी समय होता है, जब हम अपने ट्रस्ट को यह दिखा पाने में कामयाब हो पाते हैं कि हमने उस ट्रस्ट का पूरी तरीके से निर्वहन किया, उस विश्वास को कायम रखा जो हमारे ऊपर करोड़ों मजदूरों और लाखों एस्टैब्लिशमेंट्स ने किया है। सर, आपके नेतृत्व में इस सीबीटी की बैठक में, जो 230वीं बैठक है, बड़े महत्वपूर्ण निर्णय किए। लंबे समय तक हमारे सभी सीबीटी के मेंबरान बैठे और उन पर विस्तृत परिचर्चा हुई। इस बैठक में आपने जो निर्देश हमें बताए हैं, हमारे सीबीटी के मेंबर साहिबान ने जो बातें कही हैं, ईपीएफओ उन पर निरंतर काम करेगा। सर, थैंक यू हमें इस इसकी गाइडेंस देने के लिए। मैं असम के मुख्यमंत्री जी का विशेष धन्यवाद देना चाहूँगी। सर, आपने हमें बिल्कुल विद ओपन आर्म्स ग्रीट किया गुवाहाटी में। राज्य सरकार ने हमारी सारी बंदोबस्त और सामंजस्य को इतनी सहजता से और आसानी से करवाया, जिसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं राज्य मंत्री श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार श्री रामेश्वर तेली जी का भी विशेष धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने दो सब कमेटी जो चेयर की हैं और जो आज माननीय मंत्री जी ने यहाँ पर उनके बिंदु बताए हैं, उन दोनों सब कमेटी यथा मानव संसाधन विकास, कवरेज एवं लिटिगेशन के लिए उन्होंने हमें निरंतर समय दिया और रास्ता दिखाया। सर, आज सीबीटी की बैठक के दौरान इस पर महत्वपूर्ण निर्णय आपके इनिशिएटिव के कारण संभव हो सके। थैंक यू सर। मैं असम सरकार के मंत्री द्वय श्री संजय किशन जी एवं श्री अशोक सिंघल जी का भी बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि वो बहुत छोटे समय के आमंत्रण में भी हमारे पास आकर उपस्थित हुए और विशेष रूप से लेबर मंत्रालय डिपार्टमेंट ने असम सरकार के जो त्वरित कार्यवाही दिखाई ईएसआईसी के हस्तांतरण और उससे जुड़ी औपचारिकताओं को पूर्ण करने के लिए, सर आप दोनों का विशेष आभार और धन्यवाद। मैं हमारे सेक्रेटरी श्री सुनील बर्थवाल जी का विशेष धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूँ, इसलिए भी कि उन्होंने हमारी दो सब कमेटी, आईटी कमेटी और पेंशन कमेटी में आगे कैसे बढ़ें, इसके लिए
लगभग 14 बैठकें कीं और प्रत्येक 15 दिन में उनमें एक निरंतरता कायम हुई और हम CBT के समक्ष एक अच्छी रूपरेखा लेकर आ सके। मैं हमेशा यह कहती हूँ कि सर आप हमेशा, मैं आपसे हमेशा 4 साल पीछे रहूँगी इस काम के लिए, क्योंकि आपने इस EPFO के काम को 3 साल और अब लेबर मंत्रालय के काम को 1 साल बहुत बखूबी चलाया हमें, हमारा मार्ग प्रशस्त करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा विशेष आभार CBT के सभी सम्माननीय सदस्यगणों के लिए सभी पक्षों की ओर से। और जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि ये एक ट्राइपार्टाइट है, ये एक विश्वास का रिश्ता जो मैं अपनी पहली CBT बैठक में आप लोगों से साथ कायम कर पाई और जो EPFO को आपने इस विश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए अच्छे और बेहतरीन सुझाव दिए, रास्ते दिखाए, उन सभी कंस्ट्रक्टिव आइडियाज़ के लिए, भरोसे के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ तक आने के लिए विशेष धन्यवाद। EPFO के CBT के बैठक के लिए मंत्रालय की ओर से उपस्थित वरिष्ठ जो अधिकारी द्वय हैं उनका भी विशेष धन्यवाद कि वे समय निकाल करके यहाँ आ पाए। आई विल बी फेलिंग माई ड्यूटी सर इफ़ आई डोंट थैंक द ऑफिशियल्स एंड द स्टाफ ऑफ EPFO हु टायरलेसली वर्कड फॉर वेरी इफेक्टिव एंड गुड कल्मिनेशन ऑफ दिस मीटिंग। थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच। मैं मीडिया के सभी बंधु जिन्होंने निरंतर हमारी प्रगति और हमारे अच्छे कार्य को आगे बढ़ कर के दिखाया, साथ ही उनकी पेशेंस और जागरूकता के लिए विशेष धन्यवाद देना चाहती हूँ। वे यहाँ पर उपस्थित हुए, डायरेक्टर PIB ने उसे कोऑर्डिनेट किया, इसके लिए भी उनका विशेष विशेष आभार। सबसे अंत में मैं इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को इस्तेमाल करने के लिए, उसमें हमारी आवश्यकताओं के अनुरूप सुविधाएं मुहैया कराने के लिए, उसमें लगे हुए सभी इस जगह के कर्मचारी, अन्य स्थानों के कर्मचारी, श्रमिकों, सबको विशेष धन्यवाद देती हूँ और आभार मानती हूँ। पुनः एक बार सर हमारा मार्ग प्रशस्त करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। और अब आप सभी से अनुरोध है कि कृपया राष्ट्रीय गीत के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। Vande Mataram, Vande Mataram.
और अब आप सभी गण्यमान्य अतिथियों से अनुरोध है कि कृपया दोपहर के भोजन के लिए सभागार से सटी लॉबी में प्रस्थान करें। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, आभार, धन्यवाद।